नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उसको लेकर चर्चा में है सुनीता दुग्गल। सुनीता दुग्गल सिरसा की सांसद है और पूरे प्रदेश की कुल 10 सीटों में से अकेली महिला सांसद है और उसके जो चर्चा है वो चल रहे हैं कि सुनीता दुग्गल प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुकी है और आज शाम को करीब 6 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। करीब 20 से 22 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और उसके अंदर सुनीता दुग्गल का नाम शामिल है। हालांकि बता दें कि सुनीता दुग्गल की राजनीतिक पारी 2014 में शुरू हुई है और उससे पहले वो एक आयकर ऑफिसर थी और 2014 में रतिया से विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि 1000 से कम मतों के अंतर से वो विधानसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन उसके बाद 2019 में उनको सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट घोषित किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सिरसा की जो सीट है वो इनेलो का उस पर दबदबा रहा है और इस बार चरणजीत सिंह रोड़ी को काफी अंतर से उसको मात दी थी, हराया था और उसके बाद जो है वो एक अनुसूचित जाति से बिलोंग करती है, तो ऐसे में उनका जो एक कद है वो मंत्रिमंडल के संबंध में काफी ज्यादा चर्चा में है। क्योंकि जो पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो महिला होने के नाते भी और दूसरा अनुसूचित जाति होने के नाते, तो ऐसे में दोनों जो ये सरकमस्टांसिस ऐसे हैं कि जिसके आधार पर उनका जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और उसको लेकर अब उनको जो है आज प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया गया है और सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो ये है कि उनको आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं सुनीता दुग्गल के राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले का और उनके परिवार के संबंध में। तो काफी अच्छे परिवार से वो संबंध रखती हैं। उनका जो भाई है वो HCS अधिकारी है, वो खुद जो आयकर विभाग में ऑफिसर थी और उनके जो पति है वो हरियाणा के अंदर SP हैं, कई जिलों के वो SP रह चुके हैं, तो ऑफिसर परिवार उनका रहा है। 2014 में उनके हार होने के बाद उनको हरियाणा सरकार के अंदर ही चेयरमैन बनाया गया था और उसके बाद 2019 में लोकसभा के चुनाव के अंदर उनको भाजपा की तरफ से कैंडिडेट घोषित किया गया था और करीब करीब 3 लाख से अधिक मतों से सुनीता दुग्गल यहां से जीत दर्ज की थी और उसके बाद अब जो ये चर्चा का इस तरह से एक माहौल बना हुआ है।